केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल घरेलू उत्पाद के नए आंकड़े जारी किए तो बवाल मच गया। कांग्रेस ने आंकड़े जारी करने वाले संस्था सीएसओ पर सवाल खड़े किए। सीएसओ ने जो नए आंकड़े दिए हैं उनका बेस ईयर 2011-12 रखा गया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के आंकड़े कुछ यूं हो गए। हर साल में जीडीपी के आंकड़ों में 1 से लेकर 2% तक की गिरावट आ गई। साल 2011 जब यूपीए ने 10.3% सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा दिया तो वो सीएसओ के नए आंकड़ों में सिर्फ 8.5% रह गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक फरवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने नए फॉर्मूले पर काम शुरू किया था, जिसमें बेस ईयर 2011-12 रखा गया, जो पहले 2004-05 था। इट वॉज इन फेब्रुवरी 2015 दैट द सीएसओ वर्कड ऑन अ न्यू फॉर्मूला विद 2011-12 एज द बेस ईयर एंड द न्यू जीडीपी सीरीज वाज अनाउंस्ड। द सीएसओ इज अ हाईली क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। It completely maintains an arm's length distance from the finance ministry. In fact, we also come to know of the data only when it is finally released. आजादी के बाद देश की सबसे ऊंची 10.2% की विकास दर वित्त वर्ष 1988-89 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में आकी गई थी। हालांकि कमेटी की ये रिपोर्ट गणना त्रुटि की बात कहकर खारिज कर दी गई थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।